हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलीसाइफोनिया के थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल फीचर की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन है इसका, क्लास रोडोफाइसी, ऑर्डर है सिरेमियल्स और फैमिली है रोडोमिलेसी। पॉलीसाइफोनिया की लगभग 150 स्पीसीज वर्ल्ड में मिलती हैं और इंडिया में लगभग 16 स्पीसीज मिलती हैं। पॉलीसाइफोनिया एक मैरीन जेनरा है जिसकी स्पीसीज ज़्यादातर लिथोफिटिक होती हैं, यानी कि रॉक्स पर ग्रो करती हैं। कुछ स्पीसीज एपिफिटिक होती हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करती हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया और पॉलीसाइफोनिया आर्सियोलेटा। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगिएटी जो सेमी पैरासिटिक है एस्कोफाइलम नोडोसम पर। इंडिया में पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया, पॉलीसाइफोनिया आर्सियोलेटा और पॉलीसाइफोनिया प्लैक्टिकार्पा और पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा ये कॉमन स्पीसीज हैं जो वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट में मिलती हैं। इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस इसका मल्टी एक्सियल थैलस होता है, एनुअल और पेरिनियल थैलस होता है। इसमें एक टफ्ट और डेंस बुशेस की तरह होता है जो ब्राउन और वायलेट रेड कलर में होता है। क्योंकि ये रोडोफाइसी का मेंबर है तो इसका मतलब ये रेड कलर शो करेगा। प्लांट बॉडी इसकी हेटरोट्राइकस होती है, यानी कि उसमें प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम मिलता है। इरेक्ट सिस्टम ये ऊपर का इरेक्ट सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे का ये जो सिस्टम है ये प्रोस्टेट सिस्टम कहलाता है। तो पॉलीसाइफोनिया नैग्रीसेंस और पॉलीसाइफोनिया आर्सियोलेटा में जो प्रोस्टेट सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और मल्टी एक्सियल होगा और उससे यूनिसेलुलर राइजॉइड्स निकले रहेंगे। ये यूनिसेलुलर राइजॉइड हैं क्योंकि इनमें कहीं भी कोई सेप्टा नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये यूनिसेलुलर शो कर रहे हैं। डिस्टल एंड्स ऑफ द राइजॉइड आर ब्रांच, जो डिस्टल एंड होते हैं वो ब्रांच होते हैं, लोब्ड होते हैं और एंकर टू सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टल एंड है और ये ब्रांच है और ये सबस्ट्रेटम से अटैच यहाँ पर रहेगा। प्रोस्टेट सिस्टम में मैनी मल्टी एक्सियल एरियल ब्रांचेस भी निकलती हैं। मेन एक्सेस होगा एंड लॉन्ग एरियल ब्रांचेस होंगी, उनमें सेंट्रल साइफोन मिलेगा। यहाँ पर आप सेंट्रल साइफोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेंट्रल साइफोन है और इसके बाहर चारों तरफ पेरिसेंट्रल साइफोन सेल्स मिलती हैं। तो जो मेन एक्सेस होगा और लॉन्ग एरियल ब्रांचेस होंगी, उन सभी में सेंट्रल साइफोन मिलेगा। उन सभी की सेल कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी। ये सेल्स आप देख सकते हैं इलोंगेटेड सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, और जिनके बाहर पेरिसेंट्रल साइफोन या फिर पेरिसेंट्रल सेल्स उनके चारों तरफ मिलती हैं। सेंट्रल और पेरिसेंट्रल जो साइफोन्स होती हैं वो आपस में पिट कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। मेन एक्सिस का जो ओल्डर पोर्शन होगा उसमें पेरिसेंट्रल सेल कॉर्टिकेटेड हो जाती हैं। मेन एक्सिस को दो में डिवाइड किया गया है तो उसको हम लेटरल ब्रांचेस भी कहते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग लेटरल्स और दूसरा है स्मॉल ब्रांचेस। स्मॉल ब्रांचेस को ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। लॉन्ग ब्रांचेस और स्मॉल ब्रांचेस बेसिकली दो ब्रांचेस हैं। तो हम सबसे पहले लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस की बात करते हैं। लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस जो होंगी मेन एक्सिस से ही अराइज होंगी और ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस होंगी। इनका जो बेसल पार्ट होगा वो पॉलीसाइफोनस होगा, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी साइफोन्स मिलेंगी। लेकिन जो डिस्टल पार्ट होगा यानी कि ऊपर का पार्ट होगा वो मोनोसाइफोनस होगा, यहाँ पर सिंगल साइफोन्स मिलेंगी और इन ब्रांचेस पर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनको हम स्मॉल ब्रांचेस कहते हैं, यानी कि ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। वो जो मेन एक्सिस से ही अराइज होंगी या फिर लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस से अराइज हो सकती हैं। ये स्पायरल मैनर में अराइज होंगी, ये यूनिएक्सियल होंगी, साइफोन नहीं मिलेगा। सेल्स जो होंगी क्रोमेटोफोर्स मिलेगा उनमें और उन पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन सभी पर नहीं मिलेंगे, कुछ ब्रांचेस स्टराइल भी होती हैं। कुछ पेरिनियल स्पीसीज में जब ऑटम कंडीशन आती है, ऑटम सीजन आता है, तो जो शॉर्ट ब्रांचेस हैं वो गिर जाती हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजन आने पर वापस से निकल आती हैं। सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफोन्स जो होंगी वो इलोंगेटेड साइलेंडिकल सेल्स की बनी होंगी। सेल्स सभी यूनिन्यूक्लिएट होंगी, यानी कि उनमें सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा और उसमें पैराइटल डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे जिसमें पेरेनॉइड्स नहीं मिलेंगे। सेल वॉल डिफ्रेंशिएटेड होगी आउटर और इनर वॉल में।
आउटर वॉल पैक्टिन की बनी होगी और इनर वॉल सेलुलोज की बनी होगी। जो नेबरिंग सेल्स होंगी वो सभी आपस में एक दूसरे से क्विक कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स मिलेंगे जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च के होते हैं, जो कि रोडोफाइसी में एक रिजर्व फूड मटेरियल है। तो रिजर्व फूड मटेरियल ये सभी की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर हम ग्रोथ को देखें तो थैलस की ग्रोथ एपिकल सेल्स के थ्रू होगी जो कि डोम शेप में होगी। वो सेल्स रेगुलर ट्रांसवर्स सेक्शंस उससे होंगे और वो कई सारे एक्सिस में होंगे, जिससे कि इलोंगेटेड सेंट्रल साइफोन्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ सेल्स सेंट्रल साइफोन बनाती हैं और वो वर्टिकल डिवाइड होकर पेरिसेंट्रल सेल्स भी बनाती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरा अगला लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।